क्या वो माया से क्यों देख रही है मुझे? सारे सारे तुमने मीरा को तुम भी मुझे कसूरवार ठहराओ, जबकि तुम सारी हकीकत से वाकिफ हो। मीरा नहीं चाहती थी ये शादी करना, ये शादी जबरदस्ती हुई। जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा से नहीं चलते, आखिर उन्हें खत्म होना होता। अगर सारे में अब क्या होगा? क्या क्या पापा इस बारे में सब कुछ जानते हैं? ताजा ने मना किया मुझे उनसे ये बात करने से। मगर कब तक ये बात पापा से छुपी रह सकती है? पता नहीं, अगर मैंने फैसला किया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, ताजन के सालों तले मैं और नहीं रह सकता। अच्छा ये तो बताओ कि सारिम की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, चोटें भी कोई खास सीरियस नहीं है, जल्दी रिकवर कर जाएगा। चलो शुक्र है खुदा का। वैसे ये माँ को क्यों छोड़ा है? अभी चंद दिन पहले तो अपने बाप के घर रहकर आई है। मैं क्या करूँ मामा, रियाज अंकल इंसिस्ट कर रहे थे, मैं मना तो नहीं कर सकता था ना। कल जाकर ले आऊंगा उसे, आप परेशान ना हो। चले ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आराम करने बहुत थक गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा सारे, देखो जो होना था वो तो हो गया, मगर तुम पापा को और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। माँ मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ताजन को फंस गया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं उन्हें कोई तकलीफ दूँ, मगर ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें दुख दिया। जब उन्हें ये सब बातें पता चलेंगी तो जाहिर सी बात है मुझसे खफा होंगे, उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ नहीं होगा सारे, पापा तुम्हें अपना बेटा समझते हैं और बेटों से कभी नाराज नहीं हुआ जाता। हाँ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हम पापा को समीर और मीरब की सच्चाई बता देंगे, फिर वो तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराएंगे। लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम यहां से नहीं जाओगे। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जब तक बड़े पापा मुझे खुद नहीं कहेंगे इस घर से जाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। खावर खावर जल्दी करें, हमें हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हुआ खैरियत? वो सारिम का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज प्लीज जल्दी चलें। खावर प्लीज जल्दी करें, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। कैसे परेशान ना हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी तेज गाड़ी चलाने की जरूरत क्या थी। अगर तुम्हें कुछ हो सारी में, ऐसा ही है, बहुत केयर करता है, मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाता है। शुक्रिया खावर बेटा, तुम माहा को लेकर यहां आ गए। सारे माहा की बात बहुत मानता है। काश मैंने उस वक्त आईजन की बात मानकर मीरब से शादी ना की होती तो शायद आज ये हालात पेश ना आते, और ताया जान को मेरी वजह से कितना दुख पहुंचेगा। मैंने तो कभी ताया जान को दुख पहुंचाने का सोचा भी नहीं था।
सिर्फ एक कजन के लिए महा के दिल में इतनी परवाह, इनके दरमियान सिर्फ कजन का रिश्ता नहीं है। कहीं महा शादी से पहले सारिम को पसंद तो नहीं करती थी? अब बैठे रहो, तुम्हारी चोट अभी कच्ची है। ये लो, तुम्हारे लिए जूस लाई, इसे पीकर पूरा खत्म करो वरना मैं यहीं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ। लो। हमारी जिद कभी खत्म नहीं होगी। जब मैं बीमार होती थी तो तुम भी यही करते थे। चलो शाबाश, खत्म करो इसे। और प्लीज इतना सोचो मत, स्ट्रेस लेना बंद करो और थोड़ा रिलैक्स करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चलो पियो इसे, साथ में दवाई भी खा लेना, मैं भी आती हूँ। ठीक है। महा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो पापा, मैं सारिम को जूस देने के लिए गई थी। सारिम को जूस देने? तो मीरब कहाँ है? इस हालत में उसका ख्याल रखना तो मीरब की जिम्मेदारी है। अब रियाज, मैंने ही महा से कहा था सारिम को जूस देने के लिए, वो असल में मीरब के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी। मीरब सारिम के पास ही है। ठीक है बेटा, थैंक यू, तुम जाओ। चले चल। खावर बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है मुझे। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम खाना खाने के लिए भी नहीं आए? सर में दर्द हो रहा है मेरे, टैबलेट खाई है, अभी ठीक हो जाऊंगा। आप सोए नहीं अभी तक? जाएं, जाके सो जाएं, मैं भी बस सोने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये बताओ तुम्हारे लिए सूप या चाय भिजवाऊं? हाँ भिजवा दें, सूप भिजवा दें। ठीक है। खावर ने अच्छा किया जो महा को रियासत के साथ ही भेज दिया, कम से कम इस मुश्किल वक्त में बेटी की मौजूदगी से ढारस मिलेगी। खावर ने बहुत बड़ी बेवकूफी की, क्या जरूरत थी उसे महा को भेजने की और क्या जरूरत थी महा को वहां रुकने की? मीरब है ना सारिम की देखभाल के लिए। बेगम, इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? सारिम का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, माँ उसकी कजन है और कुछ ना सही माँ बाप का हौसला तो बढ़ा सकती है। वैसे तो हमें भी सारिम को देखने के लिए उनके घर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने तो फोन भी नहीं किया होगा, है ना? बस कर जाएं बाबर साहब, अब आप अपना लेक्चर मत शुरू कर दीजिएगा प्लीज। अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल आप माँ के घर वालों की साइड क्यों लेने लग गए इतनी ज्यादा। हाँ तो हर बात की आपसे तो बात करना ही फुसूल है। मैंने तुमसे कहा था ना उस एहसान फरामोश की खिदमतें करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तुम क्या कर रही थी सारिम के रूम में? देखो माहा, खुद को मीरब और सारिम के मामले से दूर रखो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सारिम से हमदर्दियां जिताने की। लेकिन मम्मा मैं तो बस माहा एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने पापा को मीरब और समीर के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो फिर मैं भी उन्हें तुम्हारे और सारिम के बारे में सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि सारिम ने मीरब को तलाक तुम्हारी वजह से दी। मेरी वजह से? ये आप क्या कह रही हैं मामा? वो मेरी वजह से तलाक क्यों देगा उसे? बल्कि मीरब ने तो खुद उससे तलाक मांगी थी ना, इसलिए कि सारिम तुमसे मोहब्बत करता और तुमसे शादी करना चाहता। वो तो उस वक्त उसने मेरे फोर्स करने पर मीरब से शादी कर ली, वरना मीरब भागकर समीर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हैं। लेकिन तुम इतना मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि सारिम तुमसे मोहब्बत करता है? कितनी अजीब सी बात है ना, एक ही घर में रहते हुए किसी को भी ये इल्म नहीं हुआ कि सारिम मीरब से मोहब्बत करता है। खैर अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि वो मुझे खुद कह चुका है कि वो शादी करेगा तो मीरब से करेगा, वरना सारी जिंदगी कंवारा रहेगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मम्मा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? आपने सारिम के साथ ज्यादती की है मम्मा। आप अच्छे तरीके से जानती थी ना कि मीरब सारिम से शादी नहीं करना चाहती। वो डॉक्टर समीर से मोहब्बत करती है, उसके बावजूद भी आपने सारिम को फोर्स किया कि वो मीरब से शादी कर ले। आपने ऐसा क्यों किया मामा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो कुछ किया है ठीक किया है, और उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने उस पर एहसान किया। सारी जिंदगी उसको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उस एहसान फरामोश ने हमारे साथ ही नमक हरामी की। मीरब को तलाक देकर पूरे खानदान में हमें बदनाम कर दिया, और तुम उसके साथ हमदर्दियां जता रही हो। देखो माहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, जाकर अपना घर संभालो, और बेहतर होगा कि सारिम से तुम दूर रहो, समझी? तुम अगर मैं मीरब से शादी करता हूं तो तुम इस बात से फर्क पड़ेगा? तुम्हारी अगर इस छोटी सी कुर्बानी से इस घर की इज्जत बची रह सकती है तो सबसे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और फिर अच्छा है ना, मामा की परेशानी भी दूर हो जाएगी। हाँ, छोटी सी कुर्बानी तो है। थी एक रिश्ता।
छोड़।